हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पिंकी जी की सिंपल रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे बेसन का क्रिस्पी और चीज़ी डोसा। देखिए, क्रिस्प तो आपको नज़र आ ही होगा और अंदर से भी चीज़ी है ये, क्योंकि इसमें चीज़, मोजरेला चीज़ का इस्तेमाल किया है हमने, तो इस वजह से ये बहुत चीज़ी है बना और खाने में तो बहुत ही यम। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है बेसन एक बोल, प्याज मैंने ग्रेट कर लिया है, टमाटर को आप बारीक बारीक काट लीजिए, पनीर, पनीर को मैंने क्या किया था ना, हल्दी और लाल मिर्च लगा के थोड़ा सा वो कर लिया था, लगा के रख दिया था थोड़ा सा। ग्रेट की हुई गाजर ले लीजिए, आपके पास जो सब्जियां अवेलेबल हो वो ले लीजिए, कैप्सिकम ले सकते हैं आप, कॉर्न ले सकते हैं, कॉर्न लिए हैं मैंने, और चीज़ लिया है मोंजरेला चीज़। अब आपको बेसन और पानी का घोल एक तैयार करना है, एक बैटर। इसमें बेसन में आप पान सबसे पहले आप इसमें जीरा डालिए, नमक डालिए और लाल मिर्च हल्की सी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के उसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स से उसको मिक्स कर लीजिए, ड्राई मसालास जो हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जीरा इसलिए मैं डालती हूँ, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, जीरा बहुत इफ़ेक्टिव होता है, आपको बाई नहीं होने देता बिल्कुल भी, तो आप जीरा मैं तो सजेस्ट करूँगी आप ज़रूर डालिए। अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप अजवाइन डाल सकते हैं, ठीक है। अब पानी डाल के इसको हमने एक बैटर बनाना है, और बैटर की जो कंसिस्टेंसी होगी वो थिक नहीं होनी चाहिए, हमें स्लरी कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसको चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा लम्स ना बने, आप अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लीजिए। मैं एक अच्छी से मिक्स कर रही हूँ, आपके पास अगर विस्कर है तो उससे बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है, ये आप विस्कर से ही कर सकते हैं। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी चाहिए विदाउट एनी लम्स, ठीक है जी। और चलो अब प्रोसीजर शुरू करते हैं बनाने का। एक नॉन स्टिक पैन ले लीजिए या तवा, कुछ भी जो भी आपके पास हो, उसमें देसी घी लगाइए। देसी घी से बनाइएगा, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं, देसी घी या फिर बटर से, ठीक है जी। बस पतला पतला डोसे की तरह आपको इसको बनाना है, अगर ऐसा हो जाता है बीच में से रह जाता है या टूटता है तो उसको आप दोबारा फिल कर लीजिए। साइडों में घी लगा दीजिए अच्छी तरह से, जब पक जाए ये देखिए आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये तवे को छोड़ना शुरू हो जाएगा, तवे से उतरना शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स ये एक इसकी जो साइड है वो पक चुकी है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से प्याज ग्रेट किया हुआ जो था हमारे पास वो डाल दीजिए हल्का हल्का, टमाटर डाल दीजिए, गाजर डाल दीजिए, जो भी सब्जियां हमने रखी हुई थी वो सब ऐड कर दीजिए इसमें, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा भरना नहीं है उसको, नहीं तो वो साइड से निकल जाएगा, ठीक है जी। कॉर्न, पनीर, उसके बाद चीज़ डाल दीजिए। अब थोड़ा सा आप ऑर्गेनो स्प्रिंकल कर दीजिए इसमें, इसमें नमक वमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ऑर्गेनो स्प्रिंकल कर दीजिए, और जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपको फोल्ड करना है उसको, ठीक है जी, ऐसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, बिल्कुल डोसे की शेप में आ गया ना, डोसे की शेप। फोल्ड करने के बाद में आपको इसको हल्का सा पका लेना, क्योंकि हमने जो चीज़ डाला था इसमें, ताकि वो पक जाए, ठीक है, चीज़ मेल्ट हो जाए इसमें। देखिए कितना क्रिस्प और कितना अच्छा कलर आया है इस पर, और अंदर का चीज़ भी मेल्ट हो चुका होगा। अब इसी तरह से आप दूसरा भी बना लीजिए, दूसरा बना दिखाती हूँ मैं, अगर आप टूट जाए, देखिए मेरा अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने किया था, ये देखिए साइड छोड़ रहा है क्योंकि मैंने घी थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था, ये देखिए। अगर हो जाए ऐसा बाय चांस आपके साथ भी, होगा ज़रूर होगा, तो आप उसको रिफिल कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। घी लगा के अच्छी तरह से सेक लीजिए, उसी तरह से आपको जब ये पक जाएगा तो आपको इसके ऊपर वही सब प्याज टमाटर
कॉर्न, पनीर ये सब लगा के इसको रेडी कर लीजिए इसको भी। इसी तरह से सारा भर के उसको अच्छी तरह से। फोल्ड कर दीजिए साइड से, देखिए छोड़ा के साइड से अपने आप ही वो छोड़ना शुरू हो जाएगा, आपको इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं आएगी। फोल्ड करके अच्छी तरह से इस तरह से अब इसको आप सेक लीजिए अच्छी तरह से। मैं थोड़ा घी लगा के इसलिए सेक रही हूँ कि वो क्रिस्प हो जाए। मेरा पहले वाला क्रिस्प हो गया था, ये हल्का अभी क्रिस्प नहीं हुआ है। लो टू मीडियम में बनाइएगा इसको, तेज पे मत बनाइएगा क्योंकि पतला है तो जल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये भी क्रिस्प हो गया है, ये देखिए यमी फुलफिलिंग नाश्ता लंच। आप किसी भी टाइम इसको ले सकते हैं और हेल्दी है स्पेशली। ये देखिए अंदर से चीज सी और एकदम फिलिंग कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी फिल हुआ है सारा। ठीक है, चीज़ ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए, अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो इसको बेशक ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने कम यूज़ किया है इसमें हेल्दी बनाने के चक्कर में कि चीज़ थोड़ा कम यूज़ किया जाए। ये देखिए फिलिंग अंदर से इसकी फिलिंग कितनी हैवी फिलिंग है और ऊपर से क्रिस्पी है। इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रियली ये बहुत ही टेस्टी बनता है बेसन का डोसा। इन्जॉय कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।